यातर मोनी जनगैया महबूबनगर जिले के मरिकल गांव से हैं। वे जैविक पद्धति से खेती करते हैं और उन्होंने यह विधि अपने माता पिता से सीखी है, क्योंकि वे भी जैविक पद्धति से ही खेती किया करते थे। जहां तक जैविक पद्धति की बात है, जनगैया के माता पिता ही उनके आदर्श हैं और वे हमेशा उन्हीं से प्रेरित होते रहे हैं। जनगैया को खेती करना बहुत पसंद है और वे जैविक विधि से ही हमेशा खेती करते हैं। उन्होंने नादेव कंपोस्ट टैंक तैयार किया है। जनगैया आज अपना अनुभव हमारे साथ बांटेंगे नादेव कंपोस्ट बनाने का, उसके फायदे और उसका रखरखाव। वे अपना अनुभव और जानकारी हमारे साथ बांटेंगे। आइए देखते हैं कि जनगैया इस वीडियो में हमारे साथ क्या बांटते हैं। आपने क्या क्या और कितनी मात्रा में कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल किया? पूरे एक टन की मात्रा में बहुत सारे पदार्थ डाले गए हैं, जैसे कि फसलों के बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ या अवशेष, हरी पत्तियां, मुलायम टहनियां, गोबर और मिट्टी, इसे नम बनाए रखने के लिए। और हमने इस कंपोस्ट पिट को हफ्ते में एक बार पानी भी दिया है, जिससे कि यह गीला रहा और नमी बनी हुई रही। कंपोस्ट 90 से 120 दिन में तैयार हो जाएगा। कंपोस्ट खाद तैयार होने के बाद उसे छान लिया जाता है और फिर या तो उसे स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसे आप रख सकते हैं, या उसका इस्तेमाल खेतों पर भी उसी समय कर सकते हैं। छानने के बाद कंपोस्ट खाद का जो भाग भज जाता है, यानी कि कंपोस्ट का जो भाग छन नहीं पाता, उसे फिर से कंपोस्ट पिट में ही डाल दिया जाता है, ताकि उसे फिर से कंपोस्ट खाद तैयार हो सके। एक साल में 4 बार कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है। तो क्या आप एक बार में ही सारा कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं या उसे जमा भी करते हैं? मैं तो उसे जमा भी करता हूँ, लेकिन उसे जमा करते समय यानी कि स्टोर करते समय सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि नमी की मात्रा 60 से 70% बरकरार होनी चाहिए। अच्छा, इसको जमा करके रखने का क्या तरीका है? इसको बोरे में रख सकते हैं, लेकिन छायादार और ठंडी जगह पर। देखिए, छान लेने से हमें बारीक कंपोस्ट मिल जाता है। छाने हुए कंपोस्ट को खेतों में जरूरत के अनुसार इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इसे बोरे में जमा भी कर सकते हैं, ताकि इसका इस्तेमाल बाद में भी किया जा सके। देखिए, इस तरह से हम बोरे में इसे जमा कर सकते हैं। क्या जमा करने के लिए किसी खास तरह के बोरे की जरूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं, जो भी बोरी आपके पास हो उसमें इसे जमा किया जा सकता है। क्या अब आप इसका वजन कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा करने से हमें यह भी पता चल जाएगा कि कंपोस्ट पिट से कितना कंपोस्ट खाद तैयार हुआ है। अच्छा भैया, एक पिट से कितना टन कंपोस्ट खाद बन सकता है? देखिए, अगर पिट की लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 5 फीट और ऊंचाई 3 फीट हो, तो उससे लगभग 2 से 2.5 टन कंपोस्ट खाद तैयार हो सकता है। याद रखें, कंपोस्ट पिट को बांस की चटाई या ताड़ के पत्तों से ढक देना चाहिए। खरपतवार या घास दिखने पर उसे तुरंत ही कंपोस्ट पिट से निकाल देना चाहिए। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में हर परत को गीले गोबर और मिट्टी से ढका जाता है। ऐसा करने से नमी बनी रहती है और विघटन यानी जैविक पदार्थों के टूटने की प्रक्रिया में भी आसानी होती है। अगर पिट के अंदर दरार दिखे तो उसे गोबर और मिट्टी के गीले मिश्रण से ढक देना चाहिए। अच्छा भैया,
नदेब कंपोस्ट से क्या क्या फायदे हैं? देखिए दीदी, नदेब कंपोस्ट से बहुत से फायदे हैं। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, यह पौधों को पोषक तत्व भी प्रदान करता है। पूरी तरह विघटन के बाद कंपोस्ट का रंग गाढ़ा भूरा हो जाता है, उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आती बल्कि एक हल्की अच्छी खुशबू ही आती है। सूखे की स्थिति में नदेब कंपोस्ट खाद किसान के मित्र का काम करता है। भैया, क्या इसका इस्तेमाल सब्जियों पर हो सकता है? जी हाँ, इसका इस्तेमाल सब्जियों, पत्तेदार सब्जियों और हर तरह के फसल पर हो सकता है। हमें नदेब कंपोस्ट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ये पौधों की स्वस्थ वृद्धि में मदद करता है। तो भैया, 2 टन नदेब कंपोस्ट का क्या दाम होगा? देखिए, इसका खर्च बहुत ही कम है। घर के सारे सदस्य इसे बनाने में सहयोग देते हैं। जो भी जरूरी सामग्री लगती है वो हमारे पास ही उपलब्ध है, जैसे कि पत्ते, टहनियाँ, गोबर, पानी, चीटे की घर की मिट्टी इत्यादि। इसके कारण हम लोग रासायनिक खाद में होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक ही है। डीएपी का क्या खर्च पड़ता है भैया? देखिए, डीएपी के एक बैग की कीमत 1,000 रुपए होती है, यानी कि 1 एकड़ में लगभग 4,000 रुपए का डीएपी इस्तेमाल होता है। लेकिन नदेब कंपोस्ट के इस्तेमाल के बाद रासायनिक खाद के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भैया, कितने एकड़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये यह 2 टन खाद है और 2 एकड़ में इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक कंपोस्ट पिट का कंपोस्ट खाद 2 से 2.5 एकड़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर भैया, क्या उपज में इससे कोई अंतर आता है? हाँ, अंतर तो है। जैविक खाद में हानिकारक रसायन नहीं होते जिनसे बीमारी फैलती है, सब्जियां और फसल स्वस्थ रहते हैं और इनका अधिक उपयोग हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल को भी कम कर देता है। भैया, अगर मैं अपनी मुट्ठी में बंद कर लूं तो कंपोस्ट आपस में जुड़ जाता है, तो आप इसे कैसे जमा करते हैं? देखिए, मैं इन्हें बोरे में जमा करता हूं और सूखा और ठंडे स्थान पर ही रखता हूं। ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपोस्ट खाद पूरी तरह सूखे नहीं, उसमें 60-70% नमी की मात्रा बनी रहनी जरूरी है। आप कंपोस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब खेत की अंतिम बार जुताई होती है उस समय, और जब बीज बोए जाते हैं तब। नदेब खाद के इस्तेमाल से बहुत सारे फायदे हैं। छोटे किसान जिनके पास कम जमीन होती है वो कम लागत में इसे बना सकते हैं, जिससे उनकी लागत में भी कमी आएगी और कंपोस्ट ज्यादा बना तो उसे बेचा भी जा सकता है। मैं अपने खेत में कोई भी रासायनिक खाद नहीं इस्तेमाल करता बल्कि सिर्फ जैविक खाद का ही उपयोग करता हूँ। मैं हरी मिर्च और धान के अलावा अन्य फसलों की खेती में भी जैविक खाद का ही उपयोग करता हूँ। इससे हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव आए हैं। नदेब कंपोस्ट के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।